तो सरिता किचन, आज हम बना रहे हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप देख सके और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने कच्चा दूध लिया है आधा लीटर, फ्रेश क्रीम लिया है, थोड़े काजू के बारीक पीसेस किए हैं हमने, ये बटर स्कॉच में लास्ट में हमने डालना है। ये थोड़ी हमने 25 ग्राम के अंदाज में शक्कर ली है, लेमन येल्लो कलर, बटर स्कॉच इसेंस। ये हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में आधी कटोरी ली थी शक्कर, अब हमें आधी कटोरी से कम शक्कर डालना है इसमें, क्योंकि हम बटर स्कॉच के पीसेस भी इसमें ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा मीठी हो जाएगी। हमें कोई भी आइसक्रीम बनाना है तो हम फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, बेस वही रहेगा हमारा। ये हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ है आधी कटोरी, हमें ये काजू और जो हमने 25 ग्राम शक्कर लिए ये सामान अलग ही रखना है। अब हमें ये बाकी फ्रेश क्रीम, मिल्क पाउडर, ये शक्कर, ये सब धीरे धीरे ऐड करना है। हमने ये बटर स्कॉच इसेंस लिया है, ये एक चम्मच, पाव चम्मच हम ये कलर लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और सेट करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अब हम बटर स्कॉच के पीसेस बनाएंगे। आइसक्रीम हमने सेट करने के लिए रख दी है, लगभग हमें 4 घंटे उसे सेट करने रखना है। अब हम ये शक्कर इसमें गर्म करेंगे, शक्कर जब तक के हम पिघलती नहीं है तब तक के हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। देखिए हमारी ये शक्कर घुल गई है, हमने बिना पानी डाले इसे मीडियम आंच पे पूरी शक्कर घुलने दी है। अब हम इसमें ये जो काजू के पीसेस है ये इसमें मिक्स कर लेंगे, घी लगी हुई प्लेट में जमा देंगे, जब ये अच्छे से जम जाए तब हम इसके पीसेस कर लेंगे। 10 मिनट में हमारे ये पीसेस जम गए हैं, हमने इसके और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे मिक्सर में क्रश कर लेंगे। देखिए हमने इसे मोटे मोटे पीसेस रहने दिए हैं, देखिए एकदम बारीक नहीं करना है हमें। अब हम हमारी आइसक्रीम जो सेट हो गई है, अब हम इसे देखिए अब इसके पीसेस करके हम इसे और फेटेंगे। हमें लगातार इसे 5 से 7 मिनट फेटना है, हम जितना इसे अच्छे से फेटेंगे उतनी आइसक्रीम हमारी स्पंजी बनेगी। देखिए हमने आइसक्रीम ये अच्छे से फेट ली है, अब हम इसमें ये पीसेस पूरे ऐड कर देंगे और फिर इसे हम सेट करने के लिए और 5-6 घंटे रख देंगे। देखिए हमने इसमें बटर स्कॉच के जो पीसेस बनाए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़े लास्ट में ऊपर से स्प्रेड कर दिए हैं इसमें, अब हम इसे सेट करने रख देंगे। देखिए हमारी ये बटर स्कॉच आइसक्रीम रेडी है,